हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज मैं ले जाने वाला हूँ आपको लालबाग पैलेस और अंदर चलते हैं। अंदर चलते चलते मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अंदर जाते ही सबसे पहले हमने देखी मल्हार राव होलकर जी की मूर्ति। कहा जाता है ये जो पैलेस है 76 एकड़्स में फैला हुआ है, उसके साथ ही इसमें 20 एकड़ का एक रोज़ गार्डन भी था। पैलेस तक जाने का जो रास्ता था वो काफ़ी शानदार था। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक जंगल के बीच में किसी रोड को क्रॉस कर रहे हैं। ऐसा करते करते हम पहुंच गए पैलेस के पास। महल के अंदर जाने के लिए आपको 20 रुपये की एक टिकट लेनी पड़ती है। अंदर गए तो हमने देखा कि काफ़ी एंटीक चीज़ों का कलेक्शन था वहाँ पर। कुछ चेयर्स थे, फर्नीचर्स थे, वो भी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एंटीक था, वो दोनों का मिक्सचर जैसा था। जो वहाँ के जो जिन्होंने बनवाया था, जो राजा थे, वो इंग्लैंड के जो बकिंगम पैलेस से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो वहाँ के अकॉर्डिंग ही बनाया था। आगे चलते चलते हम पहुंच गए थे म्यूज़ियम में, जहां पे हमने एक बाघ को देखा। उसके बाद हमने देखा एक लोडिंग लिफ्ट जो कि यूज़ किया जाता था सामान को ऊपर नीचे करने के लिए। तो इस महल में दो डाइनिंग हॉल थे, एक मेन के लिए और एक वुमेन के लिए। दोनों सेपरेट थे और जो मेन डाइनिंग हॉल था वो बड़ा था एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स डाइनिंग हॉल के। हर रूम के बाहर QRs लगे हुए थे जिसको स्कैन करके हम वहाँ की हिस्ट्री जान सकते थे कि उस रूम के बारे में क्या हिस्ट्री है पुरानी। हम निकल गए क्राउन हॉल की तरफ। क्राउन हॉल बहुत ही खूबसूरत था और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको बकिंगम पैलेस से लिया गया था ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वो जो किंग थे वहाँ के। और ये मैंने क्यों किया मुझे भी नहीं पता, बट फिर हमें एक अनोखी बात पता चली कि क्वीन को भी पढ़ना पड़ता है। और ये तीन नमूने क्वीन स्टडी रूम में क्वीन को ढूंढ रहे थे। यहाँ पे जितने सामान रखे हुए थे, फर्नीचर्स, झूमर या फिर दीवारों को ले लो, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग थी उनमें, बहुत अच्छा एंटीक और मॉडर्न का मर्ज लुक आ रहा था। ये म्यूज़ियम में तब्दील हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पर काफ़ी चोरियाँ होने लगी, फिर गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। ऊपर के फ्लोर पे कुछ काम चल रहा था इसलिए हम ऊपर के फ्लोर पे नहीं जा पाए, और बाकी जो महल है वो काफ़ी बड़े एरिया में फैला था। महल के जस्ट सामने रानी की एक मूर्ति लगी हुई थी। उसके बाद फिर अंदर जाने पर हमें पता चला कि वहाँ पे एक शिव जी का बहुत पुराना एक मंदिर है, तो हम वहाँ चले गए। और फिर मैं निकल गया अपने घर की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।